हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिबा इनु टोकन को लेकर। यहां पर शिबा इनु टोकन को लेकर एक काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। जी हां दोस्तों, शिबा इनु टोकन भी अब मेटावर्स में जा सकता है। अगर ये मेटावर्स में जाता है तो इसकी प्राइस प्रिडिक्शन क्या हो सकती है, आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। आपके 1000 1 लाख रुपए भी बन सकते हैं, 10 लाख रुपए भी बन सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 हज़ार ही बने। तो सारी की सारी अपडेट आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। सारी की सारी अपडेट आपको इसी पर मिलने वाली है, किस कॉइन में किस टोकन में कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस वक्त चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आ चुका हूं कोइन मोमो वेबसाइट पर। मैं यहां पर आपको सबसे पहले इसकी प्राइस दिखाने वाला हूं कि करंट वैल्यू क्या चल रही है, INR के पेर में और USDT के पेर में, दोनों के पेर में आपको बताने वाला हूं। और आपको ये चीज भी बताने वाला हूं कि आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, या फिर आपको यहां से एग्जिट ले लेनी चाहिए। सो गाइस, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, INR के पेर में बता रहा हूं, यहां पर इसकी करंट वैल्यू चल रही है जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, 0.0029 पैसा। और यहां पर इसकी मार्केट रैंक की बात की जाए तो 12 आ चुकी है, अभी कुछ टाइम पहले 9 पे था, अभी वापस से घट के 12 पे आ चुका है। बट यहां पर 3% की इसने ग्रोथ कर ली है जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। मार्केट कैप इसकी काफी अच्छी है, 24 घंटे की ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है। 24 घंटे में लो गया था 0.0027 पैसा और हाई गया था 0.0030 पैसा। सर्कुलेटिंग सप्लाई मैंने ऑलरेडी बताकर रखा है कि लगभग कोई 55% के आसपास हो चुकी है। टोटल सप्लाई तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है और ऑल टाइम हाई का तो आप लोगों को पता ही है और ऑल टाइम लो का भी पता है। यहाँ पर अब मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ USDT के पैर, मतलब USD में, क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों के पैर में आपको बता रहा हूँ। प्लस यहाँ पर इसकी जो बिग अपडेट है वो भी आपको देने वाला हूँ और ये चीज़ भी बताऊंगा कि इसकी प्राइस किस लेवल तक जा सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉलर के पैर में इसकी वैल्यू आ रही 0.4 बार 0 है, फिर 395 है और ये यहाँ पर ग्रोथ कर चुका है 3.1% से। मार्केट कैप 24 घंटे की ट्रेडिंग वॉल्यूम ये आप लोगों को पता ही है, 24 घंटे में लो गया था डॉलर 0.4 बार 0372 और हाई गया था डॉलर 0.4 बार 0403। सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह आप लोगों को पता है, ऑल टाइम हाई का भी आप लोगों को पता है। अब यहाँ पर इसकी जो एक बिग अपडेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले देखिए, यहाँ पर जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इसको एक मिनट पहले बाय किया जा रहा है, एक घंटे का पहले हम यहाँ पर चेक करें तो न्यूट्रल है। इसके बाद हम यहाँ पर एक दिन पहले का चेक करते हैं तो एक दिन पहले भी न्यूट्रल, मतलब कि बाय और सेल दोनों बराबर यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर जो इसकी बिग अपडेट होने वाली वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट पे। हो सकता है कि ये अपडेट आप लोगों को मुझसे पहले यहाँ पर मिल गई हो अगर आपने इनका ट्विटर हैंडल अकाउंट फॉलो करके रखा होगा तो। जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर इन्होंने अपना ये क्लब बनाया और इसको ये किसी न किसी तरीके से यूज केस में लाना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है इसका यूज केस गेमिंग के रूप में होने वाला है। ये सिर्फ अभी मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं हम फ्यूचर में ये क्या करते हैं। और यहाँ पर जो इनकी बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये है कि वी आर प्राउड टू वेलकम विलियम वॉल टू शिबा इनू गेम्स, मतलब कि यहाँ पर इनके गेम्स आने वाले। जी हाँ दोस्तों, अगर शिबा इनू टोकन के खुद के गेम्स आ जाते हैं और ये अच्छा वर्क करते हैं गेमिंग फील्ड में आने के बाद, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये मेटावर्स में जाने वाला। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये मेटावर्स में जा सकता है क्योंकि यहाँ पर इसके गेम्स लॉन्च होने वाले हैं। यहाँ पर इसके जैसे गेम्स आएंगे, लॉन्च होंगे, वो यहाँ पर रनिंग में होंगे, लोग बाग उनको खेलेंगे, तो यहाँ पर इसकी प्राइस तो इंक्रीज होगी होगी, प्लस ये मेटावर्स में जाएगा। और आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी कि जो कॉइन भी मेटावर्स में अभी तक गया उसकी प्राइस में कितना बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पर इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है और हो सकता है कि इसकी प्राइस हमें लगभग 1 पैसे के आसपास तक देखने को मिल जाए। 1 पैसे के लिए भी अभी इसे लगभग कोई 7000% की गेनिंग चाहिए, तो ये 7000% की गेनिंग कर सकता है, मतलब कि आपके 1 रुपया आपके 7000 रुपये बन सकते हैं, इसीलिए बोल रहा था। और हमें यहाँ पर कम से कम 1000 रुपये की एंट्री लेकर रखनी। मीम कोई ने ज्यादा लालच में नहीं फंसना, क्योंकि जब इसका स्वैप लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुई थी, तो सेम यहाँ पर हो सकता है कि इसकी प्राइस अब भी इंक्रीज ना हो, बट इसके चांस ज्यादा है कि इंक्रीज होगी बिकॉज मेटावर्स में जा सकता है क्योंकि गेमिंग कोइन है, क्योंकि गेमिंग टोकन ये बनने वाला है। तो आप लोगों को शिबा इनू टोकन काफी ज्यादा बड़ा रिटर्न दे सकता है। आप लोग 1000 रुपये की इसमें कम से कम एंट्री लेना, जब मैं आपको बाइंग पॉइंट बताऊंगा तो आप 1000 रुपये की एंट्री लेना। अगर ये 7000% की गेनिंग करता है, मेटावर्स में जाता है, गेम इसके आते हैं और रनिंग में रहते हैं, तो आपके 1000 आपके 7 लाख रुपए आराम से बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके 1000 आपके 7 लाख रुपए बन सकते हैं। अगर इसने 100-200% की गेनिंग की, 1000 के 2000-3000-4000 आराम से बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है कि 1000% की गेनिंग करे, और या फिर ये भी हो सकता है कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाए, वो चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये अपडेट है, प्लस यहाँ पर शिबा इनू के जो है वो एग्स भी आने वाले। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं
कमिंग सून टू न्यू एक शिप, यहाँ पे इनके एक भी आने वाले हैं। अब ये किस तरीके से वर्क में रहेंगे उस चीज को भी मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्या इन एग्स का वर्क रहने वाला है। सो गाइस, ये थी मेन इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी प्राइस आईएनआर के पेयर में किस लेवल तक जा सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉलर के पेयर में इसका ऑल टाइम हाई कितना है, डॉलर 0.4802, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो हो सकती है यहाँ पर 990 भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि या फिर यहाँ पर ये हो जाए कि एक जीरो को क्लिक कर दे, एक जीरो को क्लिक कर दे और यहाँ पर इसकी वैल्यू बन जाए डॉलर 0.0001000, ऐसे भी हो सकता है और इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है जब ये मेटावर्स में चला जाएगा। अगर यहाँ पर आईएनआर के पेयर की बात, लगभग एक पैसे आने के चांस है इसके, बट इसके लिए अभी जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग कोई 7000% की इसको गेनिंग करनी होगी जो कि काफी ज्यादा होती है। बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर पिछली बार क्या थी 0.0064 पैसा, अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू आ सकती है 0.01 पैसा, मतलब कि यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिट हम लोगों को मिल सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू 0.0070 पैसे के आसपास तक आ जाए तो तब भी यहाँ पर हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। सो गाइस, ये थी शिबा इनू से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट। यहाँ पर ये गेमिंग फील्ड में जा चुका, अगर यहाँ पर इसके गेम जल्दी से जल्दी आ जाते हैं, ये मेटावर्स में चला जाता है, तो हमें इसकी प्राइस में आराम से 7000% तक की गेनिंग देखने को मिल सकती है। सो गाइस, ये थी सारी की सारी अपडेट शिबा इनू टोकन से रिलेटेड। बाकी इससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आने वाली है, जो भी इसकी प्राइस प्रिडिक्शन होने वाली है, वो सारी की सारी अपडेट दे दूंगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब बात आती है कि इसमें एंट्री कब लेनी है, तो अभी आप इसमें एंट्री लेकर रख सकते हो बिकॉज बहुत ही ज्यादा लो प्राइस पे अभी हमें मिल रहा है, या फिर आप यहाँ पर वेट कर सकते हो एक डिप का, या फिर मेरे सिग्नल का वेट कर सकते हो, वो मैं सिग्नल दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। बट जिस वक्त मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करके दूंगा तब आप यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद भी इसमें एंट्री ले सकते हो बिकॉज ये राइट टाइम है शिबा इनू टोकन को बाय करने का। और बात रही इसमें एंट्री कितने की लेनी, आपको इसमें कोई 10-20 लाख रुपए नहीं लगाने जो कि यहाँ पर लोग बात करते हैं ज्यादातर, आपको इसमें सिर्फ 1000 से लेकर 3000 रुपए के बीच में एंट्री लेनी है, इससे ज्यादा की एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप लेते हो और शिबा इनू पंप नहीं होता तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी और गलती होगी, तो ऐसा मत करना। 1000 से 2000 3000 के बीच की एंट्री लेना और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना जब ये मेटावर्स में चला जाएगा और उसके गेमिंग आ जाएंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, पूरी टीम रेडी आप लोगों की हेल्प करने के लिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।